रहमतों और बरकतों के बाबरकत महीने में सवाब हासिल करने की गर्ज से अफतारी करवाने का सिलसिला जारी है। लाहौर के मकामी स्टूडियो में शोबिज शख्सियात के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात समेत सहाफियों ने शिरकत की। फिल्म साज सैयद नूर, जरार रिजवी, आगा हसन अस्करी, परवेज कलीम और अदाकार अच्छी खान समेत दीगर फनकारों ने अफतार डिनर करवाने की रवायत को सराहा। बड़े दिन के बाद मैं अपने स्कूल आया हूँ, एवेन्यू स्टूडियो। ये मेरा स्कूल है जो फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, जहाँ मैं स्टेप इन किया, जहाँ मैंने सीखा, जहाँ मैंने फिल्म बनाई, जहाँ मैं आज भी चाहता हूँ फिल्म बनानी। यहाँ हमारे एक दोस्त याकूब नूर साहब ने एक अफतार पार्टी दी है, उसमें मैं अटेंड करने आया हूँ। पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, पुराने कोलीग्स मिले, पुराने आर्टिस्ट, पुराने वो लोग जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की, वो सब लोग मिले। बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इन सबको खुश रखे, सबको तरक्की दे। जी बिल्कुल, मैंने इसमें शिरकत की है, मुझे इनविटेशन मिला था इसके लिए। स्पेशली मलिक याकूब साहब का मैं थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत सारे सीनियर भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और जिनके साथ मैं काम कर भी रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अब सीनियर्स के साथ भी काम करूँगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप लोगों को भी स्क्रीन पर काम बहुत अच्छा लगेगा। ये एवेन्यू स्टूडियोज़ की तरफ से नहीं है, एवेन्यू स्टूडियोज़ में है। ये याकूब साहब हैं जो एक फिल्म साज हैं, अब वो अदाकार भी हैं और उनका एक फिल्मी रिसाला है, अखबार है, मजल्ला, वो रंग रूप, वो भी वो कराची से उनका निकलता है। तो ये उन्होंने अफतारी कराई है याकूब नूर साहब ने, और बस ये मिल बैठने का ऐसे बहाना हो गया लोगों का। चंद लोग आ गए, वो लोग जो आए वो बैठ गए, आके चले एक दूसरे को देख लिया, मिल लिया। एवेन्यू स्टूडियोज़ में ये है, लेकिन ये याकूब नूर साहब की अफतारी। बड़ा खुश आइंद है जी, इस तरह से दोस्त साहब आपको, वो लोग जो स्टूडियो में नहीं आते इसी बहाने उनसे मुलाकात हो जाती है, वो आते हैं। और ये सिलसिला बहुत पहले जारी था हमारे यहाँ, जब यहाँ स्टूडियो में रौनकें थीं और सब कुछ था। उस ज़माने में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वो अरेंज किया करते थे अफ्तारियाँ, रीमा थी, मदीहा थी और दूसरे बड़े लोग, बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ होती थी। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री जब जवाल का शिकार हुई तो ये लोग भी पता नहीं कहीं चले गए। अब फिर से एक सिलसिला शुरू हुआ है। अब बहुत से हमारे, ये बड़ी अजीब बात है, बहुत कमज़ोर लोग जो टेक्नीशियंस हैं, जो सारा साल मेहनत मजदूरी करते हैं, आप यकीन कीजिए वो इस महीने में लाखों रुपए की अफतारी करते हैं। वो अपने सारे गरीब भाइयों को इकट्ठा कर लेते हैं, बुलाते हैं, और ये जो अफतारी है रंग रूप की तरफ से, आप देखिए इसमें आपको सब वो लोग नज़र आएंगे जो आपको कभी स्टूडियो में नज़र नहीं आते। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने एक मजहबी फरीजा भी अंजाम हो जाता है और एक मुलाकात का बहाना भी बन जाता है। शिरकत की ये कहूँगी कि शुक्र है किसी ने अफतारी पे बुलाया इस दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, जब डॉलर इतना ऊपर जा रहा है और मलिक नूर साहब ने इतना सारा खर्चा कर दिया है, लेकिन बहुत ही प्यार दिया उन्होंने आर्टिस्टों को। बहुत सारे आर्टिस्ट और भी यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके और बहुत अच्छा अहतमाम हुआ। और जैसे जैसे लगता है कि आखिरी अशरे में जो है ना अफतारियों की भरमार हो गई है, और जैसे जैसे हम आर्टिस्टों को अपने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने की, इसी तरह दोस्तों को एक दूसरे से मिलने की ईद की गहमा गहमी सा अभी से फील होने लग गया है। पहले दो अशरे तो बड़े पुरसकून घरों में गुजरे हैं, ये अशरा जो गुजर रहा है दावतों में गुजर रहा है। माह रमज़ान में अफतार डिनर जहाँ रहमतें और बरकतें समेटने का जरिया है, वहीं मिल बैठने का सबब भी। कैमरामैन असीम वकास के हमरा हसनैन चौधरी, 26 पाक न्यूज़, लाहौर।